पूरा खिलाया। मेरे को कहीं नहीं मिला, मुझे खाना बड़ा अच्छा लगता है। अभी पैरों क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे गुड इवनिंग क्यों, गुड मॉर्निंग क्यों नहीं? अभी तक तीनों व्लॉग मैंने गुड मॉर्निंग में किए हैं। यस, गुड मॉर्निंग में किए हैं, बट आज का व्लॉग मैं अभी शुरू कर रही हूँ क्योंकि कल फिर से मेरा शूट है और मेरे को शायद से देहरादून निकलना पड़े शूट के लिए। तो क्योंकि लोकेशन अच्छे अच्छे चाहिए और अच्छे अच्छे लोकेशन उत्तराखंड में, समझ रहे हो ना आप, जितना ऊपर जाओगे उतनी प्यारी प्यारी जगह मिलती जाएंगी। तो उसी के लिए हम लोग जाएंगे कल देहरादून। और अभी मैं ये नेल पेंट जितना लगा है इसको रिमूव करूंगी और दूसरा नेल पेंट लगाऊंगी क्योंकि कल का जो मेरी ड्रेस है वो वाइट कलर है और वाइट के साथ मैं मजेंटा नेल पेंट लगाने वाली हूँ। और मुझे नेल पेंट का बड़ा ही शौक है, मेरे पास नेल पेंट का हर कलर है क्योंकि मैं लाती रहती हूँ नेल पेंट का ना। मेरे को येलो, जितने भी ब्राइट कलर होते हैं ना, वो मेरे पास मिलेंगे नेल पेंट के। और आज मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ व्लॉग क्योंकि मे बी कल सुबह मेरे को टाइम ना मिले, हो सकता है कल सुबह मेरे को टाइम ना मिले और फिर मेरे को मैं व्लॉग करना थोड़ा स्किप कर दूँ। बट नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, व्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे तो आएंगे। देखो गाइज, मैंने बोला था ना मेरे पास हर कलर मिलेगा। देखो, तो होता ना आपको लाइफ में कि किसी को सोकर अच्छा लगता है, किसी को खाने से खुशी मिलती है, मुझे म्यूजिक से खुशी मिलती है। तो गाइज, मेरे एक हाथ का तो नेल पेंट रिमूव हो गया है, मैं दूसरे हाथ का रिमूव कर रही हूँ और इसके बाद मैं लगा के दिखाऊंगी आपको बढ़िया सा नेल पेंट। तो गाइज देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है। देखो व्लॉग लवर, व्लॉग देख रहे हैं, सीरीज देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, क्लास चल रही है, रहने दे बस। गाइज हमारा नेल पेंट हो गया है डन। यो छोटा छोटा, ये नहीं चाहिए भाई, सिंपल दे, मेरा गला खराब है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहले तो मुझे भूख नहीं लग रही थी क्योंकि शाम ही मैंने आके स्टूडियो से खाया था, पर अभी इसने मेरे को ना एक टुकड़ा खिलाया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। भाई प्लीज थोड़ा सा और खिला ले, बस आधी रोटी खिला। तो अभी हम लोग सब सोने वाले हैं और मम्मी देख रही है मेरा व्लॉग। सब देखो, सबका बिस्तर लग चुका है, हम एक ही रूम में सोते हैं सबके सब। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल है मेरा शूट, यानी कि कल शाम को मैंने आपको बताया था कि कल है मेरा शूट। तो अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, मैं नहा के आ गई हूँ। फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ अपने मेकअप की। देखो पूरा खलारा, ये पता नहीं क्या क्या मैंने डाल गई, ये देखो ये पूरा मेरा सामान है। तो गाइज मेकअप डन, और आज मुझे मेरा मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं करना कुछ और चाह रही थी, हो गया कुछ और, बट अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पास कि जरा भी चेंजेस करें। गाइज हम निकल चुके हैं, मेरे पास जरा भी टाइम नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि कब मैं स्टूडियो पहुंची कब नहीं पहुंची। तो अभी हम निकल चुके हैं शूट के लिए, हम जा रहे देहरादून। हैश भैया आ चुके हैं, हाय भैया, हम जा रहे हैं देहरादून। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू द चैनल शिवा चौधरी व्लॉग्स। यो, और ये है निशांत तोमर, एवरीबॉडी टॉक, मिक्स फ्रूट बना और इसमें शुगर मना कर देना प्लीज। जूस मेरा बनने लग रहा है और हैश भैया का भी। आप लोगों को बता दूं, हमेशा कभी भी मैं गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रही हूँ या बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं पीछे नहीं बैठ सकती, पीछे बैठने में मुझे चक्कर आते हैं। बस में तो चल भी जाता है, मैं वोल्वो में नहीं जा सकती, मैं हमेशा रोडवेज में जाती हूँ, उसमें बड़ा ही मज़ा आता है, जब गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती है उसकी। तो मेरा जूस आ गया है, लेकिन ना पता क्या है, ये मैं इसको हमेशा बोलती हूँ मुझे डिस्पोजेबल में चाहिए, ये इसी कांच के ग्लास में दे दो, पता नहीं, मुझे नहीं पता ना ये साफ करते कि नहीं करते। स्ट्रॉ भी मंगा लिया है क्योंकि अगर मैं ग्लास से पीती तो मेरा लिपस्टिक चिपक जाता। देख सकते हो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो मैंने जूम कर दिया जितना ज्यादा हो सकता है, ये देखो देखो वाओ। देखो गाइस अब हम खाएंगे राजकुमार सैनी पकोड़े वाले, ये बिहारी गढ़ की पकोड़े अभी दिख नहीं रही, ये बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की पकौड़ियाँ। तो हम पहुंच चुके हैं देहरादून के रास्ते पे, जो पहाड़ों वाला रास्ता आता है आपको। Yes, don't you think के मेरा मेकअप अच्छा हो रखा है आज, थोड़ा डिफरेंट है मेरी आई मेकअप, देखो। हम पहुंच चुके हैं देहरादून, अभी मल देता है यहाँ से 46 किलोमीटर है हम, 46 सॉरी यस 41 मिनट, अच्छा 23 किलोमीटर है, 40 41 अरे यार
पहुंचा रही हूँ। अरे भैया 41 मिनट लगेगी, 23 किलोमीटर है बस। okay. हो जाती है गलती भाई, इंसान सी गलती होती है। तो फिर भी हैवान है। अरे यार यहाँ पे बारिश है क्या? तो हम आ गए हैं लोकेशन पर। अरे हम आ गए हैं लोकेशन पर। मेरी आंख काली कैसे हो गई? अरे यार दोबारा मेकअप करना पड़ेगा, टचअप करना पड़ेगा। मेकअप तो नहीं, हाँ ऐसा नहीं लग रहा जैसे मुझे किसी ने मुक्का मार दिया। देखो क्या ही नजारा है, ऐसा लग रहा है बादल एकदम पास में है ना। ये हंसी वादियां बहुत देर हो गई लोकेशन ढूंढते ढूंढते, और चढ़ते जा रहे हैं हम पहाड़ों पे, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, लोकेशन नहीं मिल रही। बट आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक व्यू दिख रहा है क्या? अच्छा सॉरी गाइस, एक जगह हमने मतलब रुके हैं हम लोग, और मैं आपको दिखाती हूँ चलो कैसी जगह है। टचअप कर लिया है मैंने, और जैसे कि आप देख रहे हो जो मेरी आंख में मुक्का लगा था वो गायब हो चुका है। यहाँ पर एक नदी है, नदी में लेंगे शॉट, और मुझे बड़ा मन था ऐसी जगह आकर शूट करने का ना। गाइस अभी मेरे को कांटा चुभ गया था, और हर्ष भाई को देखो आप कैसे बैठे हैं, देख सकते हैं स्ट्रगल आप हमारे काम के पीछे। और आप वो 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 मैंने उसे देखा। यहाँ पर जाएंगे कैसे इसके अंदर? पैदल नंगे पैर। गाइस देख सकते हो मैं उस नदी को पार करके आई हूँ, पूरा उसको पार करके आई हूँ। अभी यहाँ पर भी मुझे लगता है पार करना पड़ेगा, बीच में बैठना पड़ेगा। वैसे तो हाय गाइस, यार शिवा आराम से, आई थिंक तेरे पैर में रेता पड़ गया है। हाँ यार मेरे पैरों में रेता पड़ रहा है, दिखाओ रेता पड़ रहा है। वो देखो सुपरमैन। अब शिवा चौधरी जी नवी नदी पार करने वाली है, ये देखिए इतनी गहरी नदी। ओह माय गॉड, ये कैसे पार कर पाएंगी? सबको लगता है कि शूटिंग करना, शूट करना बहुत इजी चीज़ है, नहीं मैं पानी से बहुत डरती हूँ, पर फिर भी आप देखो मैं कैसे कैसे क्रॉस कर रहा हूँ। मम्मी देख सकते हैं आप, भरपूर मात्रा टैनिंग की हो चुकी है, और पत्थरों पे बड़ी मुश्किल हो रही थी काम करने में। दो तीन लोकेशन हमने चूज़ की हैं, अब उसमें से जाके देखते हैं क्योंकि लाइटिंग का बड़ा इशू आ रहा है। कुछ शॉट हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इस पुल पर। इतनी थकान हो रही है ना, मतलब अभी बहुत बहुत मतलब बहुत सारा शूट बाकी है। और ये लिपस्टिक का क्या हाल हो गया? सोच रहे थे लोकेशन ढूंढते हम ऊपर से ऊपर आते गए, हम मसूरी में ही आ गए। मसूरी यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आप देख सकते हो मेकअप भी सारा उतर गया है, पर कोई बात नहीं करना पड़ता है। हम इतने लकी हैं उत्तराखंड में ही रहते हैं, और हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी जगह है घूमने के लिए। वी आर वेरी लकी प्राउड टू बी एन उत्तराखंडी। यहाँ से दूर दूर से घूमने आते हैं, बताओ हम नहीं आते ऐसे। हम तो चलो आज शूट हुआ हम आ गए, लेकिन जब आते हैं ना तब पता चलता है हम कितनी प्यारी जगह रहे। गाइस हमें पढ़ाया जाता था बचपन में पहाड़ों में सीढ़ी नुमादार खेती होती है। गाइस हम पहुंच चुके हैं देहा माइंस अपने शूट के लिए। सो गाइस देख लीजिए हम आए हैं इस जगह पर शूट करने के लिए, ये देखिए। तो हमारी लास्ट लोकेशन है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस देख सकते हैं आप, ये है लोकेशन, और काफी शूट हो चुकी है यहाँ पे, काफी गाने शूट हो चुके हैं यहाँ पे।
आप लोगों को दिखा देती हूँ जो जिस विंडो पे बैठ के मैं अभी शूट करने वाली हूँ उसके पीछे का व्यू। ओ माय गॉड, है ना बड़ा प्यारा। खत्म हो चुका है, जल्दी आपको ये गाना देखने को मिलेगा। पहले जाके शिवा चौधरी के पुराने वाले चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब लास्ट बात ये बोलने वाली हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगता है मेरे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके मेरे ब्लॉग्स को प्यार दें। तो